साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खित्ता चिनाब की, चिनाब वैली की बात करेंगे। चिनाब वैली ज़िला डोडा के ब्लॉक भाला की बात करें तो एक रूरल एरिया है ब्लॉक भाला, और इसकी 17 पंचायतें हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और यहाँ की लिंक रोड्स जो हैं, इनके हालात आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना की मार लोगों पे पड़ रही है, कैसी बीमारी आएगी जिसमें बचना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और दूसरी तरफ से हम बात करेंगे, अगर थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो ब्लॉक भाला की लिंक रोडों की हालत क्या होती है, ये आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि हमारे खित्ता चिनाब के अंदर हम बात करें, चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, तो हमारे क्षेत्र के अंदर सत्ताधारी जितने भी यहाँ के विधायक रहे हैं या मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, अभी तक खित्ता चिनाब के अंदर जन सेवा के लिए कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए हैं कि जिससे लोगों की खिदमत और लोगों को हफाजत की जा सके और लोगों को सेफ किया जा सके। कोरोना काल जहाँ तक पूरी विश्व में फैला हुआ है और पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी और बीमारी फैली हुई, इसके साथ साथ गांव तक आस्ता आस्ता ये बीमारी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी हमारा सहयोग करने के लिए ऐसा कोई भी आदमी आगे नहीं आया है सत्ताधारी लोगों की तरफ से। हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी खित्ता चिनाब के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वजूहत क्या है ये वही लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने किसी को चाहे विधायक बनाया था, सांसद बनाया, ऐसा कोई भी हमें चेहरा अभी तक देखने को नहीं मिला। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर पूरी बात करें तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही चेहरा सामने आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं और एक्सट्रीमिस्ट जम्मू कश्मीर के रहे हैं। उन्होंने अपने फंड में से 1 करोड़ से ज़्यादा जो फंड हैं वो एलजी फंड में अपना योगदान दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हफाजत के लिए यहाँ के जो स्वास्थ्य है, यहाँ का हेल्थ की बात है, उसमें ये पैसा यूज़ किया जाए और लोगों की हफाजत किया जाए और लोगों को बचाया जा सके। तो उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा नज़र नहीं आया कि जिसने लोगों के लिए खुलकर आगे आकर खिदमत करने की कोशिश की हो। आप सबसे पहले तो ये देखेंगे ब्लॉक भाला के लिंक रोड जो है उनकी हालत क्या है, आप देख सकते हैं। एक तरफ से कोरोना काल और दूसरी तरफ से थोड़ी सी बारिश आती है तो यहाँ की क्या हालत होती है, कितने किलोमीटर लोग पैदल चलना पड़ सकता है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखो जी रोड की हालत। सरपंच साहब, आप एक्स सरपंच हैं, कहाँ के, कौन सी पंचायत के आप? सोठा पंचायत के। तो ये देखो, ये सोठा जगह है ना, तो क्या हालत है इस रोड की? देखो जी, इसमें जो ड्राइवर, ये ठेकेदार हैं और डिपार्टमेंट जो है इसमें मलूस है, और इन्होंने 70 लाख यहाँ का फ्राडी बिल निकाल के खा लिया है। 70 लाख रुपए इस साल का निकाला इन्होंने, हाँ, जो इस पे GST डालनी थी। ये रोड कहाँ से? बीरू बस्ती से लेकर कहाँ, डुगली द्राफड़ा तक? बस्ती से डुगली द्राफड़ा, हाँ, भाला से आती है ये। तो ये देख रहे हैं आप, दल देख रहे हैं, इसमें कैसे छोटी गाड़ी निकलेगी, छोटी छोड़ करके बड़ी भी नहीं निकलेगी। तो गाड़ी नहीं निकलती है, तो हमें ये अफसोस है कि यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ है, और इतना फ्रॉड हो रहा है, ब्लेंडर हो रहा है कि ये पेमेंट, ये देखो कितने दूर तक, ये देखो जी चलें जरा थोड़ा सा पीछे चलें, और आप दे दो थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन अपनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेंद्र ठाकर, एक्स सरपंच सोठा। सोठा से आप? हाँ हाँ। तो ये रोड जो है सोठा में ही है, ये सोठा से डुगली तक इन्होंने 70 लाख रुपए निकाला है। तो इन्होंने कौन सी मेटलिंग तो की नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से पैसा था जो GST ने डालनी थी, अच्छा, और वो GST ने डाली नहीं, इसमें मिट्टी डाली है और जो भी डिपार्टमेंट ने कमीशन खाया, अच्छा, मिलके ये हमारा हाल कर दिया है। यहाँ पे 2-3 पंचायतें रहती हैं। पीछे कौन सी पंचायत रहती है? पीछे हमारी डुगली ए है, डुगली बी। दो पंचायतें हैं पीछे, दो पंचायतें हैं, और 10,000 आबादी, 10,000 आबादी, इतनी पॉपुलेशन है, हाँ, 10,000 आबादी है जो पीछे रहती है। बड़ी अफसोस की बात है ये, तो कल को कोई मरीज हो जाएगा, कोई पेशेंट हो जाएगा, तो क्या कैसे वो ले जाएगा गाड़ी, रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। और ये जो कई हादसे हुए मेरे ख्याल में ऐसे भी बहुत जबरदस्त,
और डिलीवरी केस होते हैं उनमें कौन पूछता है द्राफड़ा डुगली, बिल्कुल डिलीवरी केस, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, और वक्तन फक्तन में इनको AWAE को फोन करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये लोग तासे मास नहीं है, इनने कमीशन खाया है इसमें। कितना कमीशन खाया होगा आपके अंदाजे से? इनने 50-50 किया, यहाँ तो कुछ ही नहीं लगाया है। कॉन्ट्रेक्टर कौन है, ठेकेदार जिसने ये टनल संभाला हुआ है, ये रोड का काम? कुछ सबलेट पे इन्होंने किसी को, दूसरे ठेकेदार को दिया था, और इनका क्या पता लगता है किसको देते हैं। और लिहाजा ये जो वीडियो है ये सेंड करो DC को, ऊपर गवर्नर DC साहब को। अच्छा अच्छा, और उसके बाद वो खुद देखेंगे कौन कंट्रेक्टर था, कितना बिल निकाला है, डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए। नहीं, बिल किस चीज का निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से? ये तो देखो ना, ये हालात देखे आप रोड की, किस चीज के इन्होंने बिल निकालना है? बस इन्होंने फ्रॉड करना है। मोदी जी बोल रहे हैं करप्शन बंद है, अच्छे काम हो रहे हैं, तो ये अच्छे काम हो रहे हैं। ये देखो हालात कैसी बनी है। अच्छा, रोड मेंटेनेंस ग्रांट निकालते होंगे ये? हाँ हाँ, इसमें GSP डालनी थी इन्होंने 1 लाख, और उसके लिए 70 लाख रुपए ने बिल निकाल दिया है पिछले साल। अच्छा, ये मुझे बताओ ये रोड की कटिंग कब हुई थी? 2004 में हुई थी, 2005 में, 2006 में ये कटिंग हुई थी इस रोड की, बीरू बस्ती से लेकर के डुगली तक। तो उसके बाद ये कब से ये इन्होंने ये सोलिंग वगैरह डाली हुई, जो थोड़ी पूरी मेटलिंग की है, कच्ची वगैरह की है? मिट्टी डाली है। अच्छा अच्छा, सोलिंग तो कुछ नहीं हुई है, ये पिछले साल डाली इन्होंने। अच्छा, तो इतनी करप्शन है यहाँ पर? करप्शन है यहाँ के, जब BJP की सरकार है दिल्ली में और ये लोग यहाँ पे लूट घुसूट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए, PM प्रधानमंत्री जी से, गवर्नर साहब को पहुँचनी चाहिए, जो गवर्नर, हाँ, जो हमारे LG हैं, अभी LG हैं जम्मू कश्मीर के, और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो वो यहाँ टीम भेजे बिल्कुल, और स्पेशल टीम यहाँ की नहीं चाहिए हमें, डोडा की, ये जो बाहर की टीम चाहिए, बाहर की टीम आए और हम लोगों को, मुझे ही बुलाएं, एक्स सरपंच राजेंद्र ठाकुर मेरा नाम है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको मौका दिखाऊंगा पूरा। हमारी 9-11 किलोमीटर रोड है, इसकी क्या हालत है। ये देखो, ये गाड़ी, छोटी गाड़ी कैसे निकलेगी अभी, इमरजेंसी किसी को बजा। ये देखो, एक डॉक्टर साहब है मेरे साथ, ये ड्यूटी पे जा रहे हैं अभी डोडा में। हाँ, तो ये कैसे पहुंचेंगे? ये देखो, तो ये कहाँ गाड़ी निकलेगी, यहाँ तो बहुत कैसे निकलेगी। बड़ी अफसोस की बात है जी, अफसोस की बात है कि हमारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे पंचायतें बनी हैं, तो ये पंचायतें भी काम नहीं करती। ये सरपंच हैं, इनको पावर्स दी है, पंचायत राज 3 टायर पंचायत बनी है, और इनके पास ही सब कुछ आता है। जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो कहाँ है, DDC मेंबर जो बना है वो कहाँ है, उसका फर्ज बनता है यहाँ। DDC मेंबर का, बिल्कुल, DDC मेंबर कौन है आपके, भद्रवाह के हैं शायद, युद्धवीर? नहीं नहीं, जो, अच्छा वो तो युद्धवीर जी जो है आपके, हाँ ठीक ठीक, DC। हाँ। अच्छा अच्छा, DDC मेंबर हैं, DDC मेंबर हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने हैं, जो वो भी भद्रवाह के हैं, धनंतर सिंह जी, उनको लाना चाहिए आप लोगों को। और ये वीडियो उनको सेंड करो जरा, सबको पता लगे, DC साहब को बताएं, DC साहब। ये देखो जी, अभी कितनी कीचड़ है, ये देख लो, इसमें गाड़ी कैसे निकलेगी, आदमी नहीं निकल सकता तो गाड़ी कैसे निकलेगी? वो देखो कितना पानी है, वो देखो दलदल। सुना है कि जो हमारे नए DC साहब आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, विकास शर्मा जी, मैंने वो सुना है कि उनसे मुलाकात नहीं हुई ये कोरोना जो है इसके वजह से, वरना नहीं तो उनको मैं यहाँ लाना चाहता था। तो लिहाजा वो बहुत अच्छे हैं, ये वीडियो उनको सेंड करो, वो भी देखें कि यहाँ पे क्या हालत हो रही है, और इसमें इंक्वायरी करें वो। ठीक है, शुक्रिया आपका। ये देखो पीछे से ये लोग भी आ रहे हैं, ये पैदल गए थे, मेरे कहीं मातमदारी हुई थी पीछे, ये मातमदारी द्रफड़ा में। देखो ये लेडीज भी बेचारी आई है, नहीं तो अगर रोड ठीक होती तो गाड़ी नहीं निकलती, गाड़ी में जाते ये। चलो देखो जी, कितनी शर्म की बात है, वो देख लो कहां तक दिखाऊं मैं आपको, ये देख लो ये रोड की हालत। आए थोड़ा सा इन लेडीज से भी बात कर रहे हैं हम रोड के बारे में, कि रोड की कैसी हालत है, कैसी रोड है ये, बड़ी खतरनाक रोड है, खतरनाक रोड है। रोड ठीक वो तो तुम गाड़ी मेल नहीं थी पत्रों में, उसको और जोर थी, मातमदार जोर थी, उसके पत्रों लफड़े पैदल ही गए थे आप। चलो आपकी ये वीडियो हम पहुंचा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तक, पहुंचाएंगे इसको। बीमार मेरे अम्मा बाजार बीमार में तो नहीं नोरी पूछो ना, गाड़ी नहीं है कोई डिलीवरी केस होते आप कुछ बताएंगे मैडम जी, कोई 2 लाख से बताएंगे रोड के बारे में, कैसी रोड आपको दिखाई दे रही है, हिंदी में बात करो, बोलो कैसी रोड दिखाई दे रही है आपको, फिर पैदल क्यों गए आप, अगर गाड़ी होती रोड ठीक होती तो गाड़ी में चले जाते।
बोलो बोलो क्या है, दो लफ्ज बोलो, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है। हिंदी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप ट्रांसलेट करें। देखो जी, इनको ये हमारा पहाड़ी एरिया है। अच्छा, और पहाड़ी एरिया में इनको आपकी भाषा नहीं आती है। अच्छा, ये तो हिंदी नहीं आती इनको, इनको इतनी मुश्किल, भद्रवाही आती है इनको, भद्रवाही भद्रवाही आती है इनको, इतनी मुश्किल है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती है। और जो हमारे डिलीवरी केस हैं, जो बीमार है, बुजुर्ग है, वो कहाँ, वो तो रास्ते में ही दम तोड़ बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हालात है गाड़ी के, देखो ना क्या किया है। और आज के दौर में कोई पूछता नहीं, ठीक ठीक, वोटों के लिए तो सारी दुनिया आती है, सारी आती है। बिल्कुल, बोलते हम बीजेपी के, कोई कांग्रेस के, कोई एनसी के, तो ये हमारी हालत है। और ये हमें कुछ नहीं मिला। असली चीज तो रोड होनी चाहिए ना अच्छी, जो सबके लिए जो है कॉमन है ये रोड, बाकी तो छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका कहना भी ठीक है। इसको मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए और गवर्नर जी को पहुंचनी चाहिए, एलजी जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, और डीसी साहब जो हमारे पास शर्मा है, वो ईमानदार आदमी, विकास शर्मा ईमानदार, ये चीज पहुंचनी चाहिए और वो आए तो उसकी टीम भेजें। हाँ, टीम भेजें या खुद थोड़ा मुलाजा करें, इसका इंस्पेक्शन करें रोड की। बोल रहे हैं ये ठेकेदार ने किया क्या आज तक, मेरे ख्याल में 4 साल हो गए इसको, 5वां साल है अभी ये मेंटेनेंस निकालते हुए। तो बस यही साल है, वो थोड़ी थोड़ी एक एक इंची इसमें वो डाल देगा ऊपर से, क्या बोलते हैं जी अपना, क्या बोलते हैं, रोड़ी रोड़ी बिछाने के बाद फिर वो फिर लुक डालते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या पता, ये नहीं तो यही करना है। ब्लैक डाब कितनी करेंगे, वो करेंगे तो 1 इंच करेंगे, 1-2 इंच जैसे इनका, फिर खराब हो जाएगी तो आप लोगों की, उनकी तो 5 साल उन्होंने मेंटेनेंस ग्रांट निकाल ली। शुरू में जो इनका बोर्ड लगा है सेनाई में, सेनाई में, अच्छा वीरू बस्ती में, उस पे तो हर चीज लिखी हुई है, कितनी जीएसपी डालनी है, कितने इंच डालनी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, है ना। बिल्कुल, तो उसमें तो ये लोग, उसमें लिखा है क्रशर का डालना, इसमें तो ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं, ये उखाड़ करके डाल रहे हैं, ये मिट्टी हिटी इधर उधर से, ऐसे कुछ नहीं रहा जेसीपी से, वो देखो वहाँ से भी निकाली है, देखो वो देखो वहाँ से भी ये कटिंग की है, देखो यही डाली है मेरे हिसाब से, देखो ना बिल्कुल कच्चा, ये कच्चा पत्थर, वो देख लो, ये देख लो ये पहाड़ी, ये खुदाई की है जेसीपी ने, और यही डाली है आपकी यहाँ पर मेटलिंग, तो ये क्या दम रखेगी, ये देखो ना कच्चा पत्थर है, वो पत्थर भी नहीं है, वो मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। चलो ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। और मैं विजय कुमार शान, पंचायत चौधरी, ब्लॉक बालास। आज हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट डोडा में लिंक रोडों का दौरा किया, जिसमें रोडों की इतनी खस्ता हालत है कि कहने की कोई बात नहीं है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन रोडों पर ध्यान दिया जाए। नमस्कार।